हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टच चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गूगल क्रोम को आप एज ए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, वो कैसे यूज करते हैं हम आज के वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। यहाँ पे देखिए गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। 1000 × 5 आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आंसर आ चुका है 5000 बोल के। आप इसमें माइनस भी कर सकते हैं, -200 आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस भी हो चुका है। आप ऐसे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो आपको कैलकुलेटर भी ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर ओपन हो चुका है, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 54 + 6 = 60। तो आप इस तरह से गूगल क्रोम को एज ए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं था दोस्तों आज के वीडियो में बताने के लिए। इस छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए टेक टच चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।